दोस्तों, दुनिया की फिक्र एक बार फिर बढ़ गई है। इसकी वजह चीन ही बना है। दरअसल चीन में एक और रहस्यमय बीमारी सुपरसोनिक रफ्तार से फैल रही है, जिसने साल 2020 में फैले कोरोना वायरस की खौफनाक यादों को फिर से ताजा कर दिया है। कई देशों की सरकारों ने अस्पतालों को बेड्स की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, मास्क और पीपीई किट आदि को तैयार रखने के आदेश भी दिए हैं। इस महामारी ने खास तौर पर बच्चों को टारगेट किया है और इससे संक्रमित हुए बच्चों की तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ रही है कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दुनिया के सभी देश चीन को लेकर अलर्ट हो गए हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय तक सभी की नजर चीन पर टिकी हुई है। लेकिन कोरोना वायरस के शुरुआती दौर की तरह ही चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बीमारी का जानलेवा वायरस से नाता होने की बात पर टिप्पणी की है, तो आखिर चीन में फैली ये बीमारी क्या है और इससे संक्रमित बच्चों में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं और क्या ये कोरोना वायरस की तरह ही ग्लोबल पैंडेमिक बन सकती है, जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिए। कोरोना वायरस का सबसे पहला नोन केस दिसंबर 2019 में चाइना के वुहान शहर में दर्ज किया गया था, जिसके बाद ये वायरस पहले चाइना फिर पूरी दुनिया में इस तरह फैला कि हालात बद से बदतर होते चले गए। साल 2020 में कोरोना की वजह से दुनिया भर में हर दिन हजारों लोग मर रहे थे, अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे, अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर बदर भटक रहे थे, दिन रात कोरोना वैक्सीन खोजने पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो रहे थे। आपको याद होगा कि जब कोरोना वायरस अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तब हॉस्पिटल में पेशेंट्स के लिए बेड कम पड़ गए थे, जिंदगी बचाने के लिए ऑक्सीजन और दवाइयों के लिए लोग मारे मारे फिरते थे, यहां तक कि अंतिम संस्कार के लिए शमशान के बाहर लाशों की लंबी कतारें लगती थी और संक्रमित होने की वजह से दुनिया छोड़कर चले गए मरीजों के परिवार के सदस्य को ठीक से अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिल पा रहा था। वर्ल्डोमीटर की ताजा डेटा के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में 69,80,000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और इस वक्त भी रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की मौत कोविड-19 की वजह से हो रही है। इस महामारी की वजह चाइना को माना गया था। आपको बता दें कि चाइना ने ही इस बीमारी की शुरुआत की थी ऐसा माना जाता है और किसी तरह से 2023 में दुनिया कोरोना के संकट से तो छूट गई, लेकिन अब फिर से चीन में एक ऐसी ही जानलेवा बीमारी फैलने लगी है जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक मानी जा रही है। इस बीमारी को लेकर चीन के बीजिंग शहर के अस्पतालों के कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिनमें पूरे के पूरे अस्पताल बीमार बच्चों से भरे पड़े हैं, जिनमें कई सामान्य लक्षण देखे जा रहे हैं। इस रहस्यमय निमोनिया बीमारी की शुरुआत तेज बुखार से होती दिख रही है, उन्हें काफी ज्यादा खांसी भी हो रही है, कुछ बच्चों में तो फेफड़ों में सूजन के भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं और फेफड़ों में जलन भी हो रही है। वहीं कुछ बच्चों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है, जिस वजह से उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट लेना पड़ रहा है। अस्पतालों में हालत गंभीर होती जा रही है। घबराए हुए माँ बाप को यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे को आखिर क्या हो रहा है। डॉक्टर्स भी इस बीमारी की सटीक इलाज को ढूंढने में कोशिश कर रहे हैं। पूरी दुनिया में यही सवाल उठ रहा है कि क्या ये बीमारी कोरोना वायरस से जुड़ी है या चीन में किसी और प्रकार का वायरल फैल चुका है। इसी बीच चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सांस की बीमारी के पीछे देश में नए वायरस के फैलने की आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बीमारी फ्लू और अन्य ज्ञात रोगजनकों के कारण होती है और इसके पीछे इन्फ्लुएंजा वायरस, राइनो वायरस और रेस्पिरेटरी सिंकटाइल वायरस, एंडिनो वायरस के साथ साथ माइकोप्लाज्मा निमोनिया जैसे बैक्टीरियों का हाथ है। हालांकि उन्होंने जनता को मास्क पहनने की सलाह दी है और कहा है कि अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो जल्दी से डॉक्टर से संपर्क करें। कुल मिलाकर चीन ने इस बीमारी के पीछे नए वायरस के होने की बात को अस्वीकार कर दिया है, लेकिन चीन की कही गई बात पर भरोसा करना नामुमकिन है। इसलिए पिछले दिनों वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने चीन की इस बीमारी पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी थी। इन रिपोर्ट्स को देखकर WHO का कहना है कि यह बीमारी माइकोप्लाज्मा निमोनिया और ठंड के मौसम में कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन हटाने की वजह से फैल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फिलहाल इस बीमारी की वृद्धि प्री पैंडेमिक जितनी हाई नहीं है।
आपको बता दें कि चीन के बीजिंग और लियाओनिंग शहर इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं और हालात इतने गंभीर हैं कि पिछले एक महीने में बीजिंग के अस्पतालों में हजारों बच्चे एडमिट हुए हैं। पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है और संक्रमित इलाकों के स्कूल्स भी बंद करवा दिए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यह बीमारी एक बच्चे से दूसरे बच्चों में तेजी से फैल रही है। जी हाँ, ये एक फैलने वाली बीमारी है जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसलिए दुनिया के सभी देशों के स्वास्थ्य मंत्रालय चौकन्ने हो गए हैं और इस डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हालात बद से बदतर होने तक चीन ने कोरोना वायरस को लेकर भी जानकारी छिपाई थी, इस वक्त भी चीन वही करने की कोशिश कर रहा है। वहीं अब भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय और केंद्र सरकार ने बड़ी एडवाइजरी जारी कर दी है और चीन में फैली इस बीमारी को लेकर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर खास निर्देश दिया है कि वह अस्पताल में मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं का बारीकी से निरीक्षण करें, साथ ही इन्फ्लुएंजा और सर्दियों के मौसम में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह भी दी गई है। वहीं सरकार ने अस्पतालों को बेड्स की उपलब्धता, इन्फ्लुएंजा के लिए दवाएं और टीके, चिकित्सा ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक्स, मास्क और पीपीई किट आदि को तैयार रखने के भी आदेश दिए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि रहस्यमयी निमोनिया से भारत को खतरा कम है, लेकिन हम किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि चीन में फैल रही इस बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ सुझाव भी दिए हैं जिससे इस बीमारी को फैलने के रफ्तार को धीमा किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि चीन में सभी लोग जरूरी वैक्सीन लगवाएं, सभी लोग एक अच्छी क्वालिटी का फेस मास्क पहने, बीमार लोगों से स्वास्थ्य लोग दूरी बनाकर रखें और जितना हो सके उतना अपने बच्चे को घर पर ही रखें ताकि वो बीमारी से बच रहे। वही जिस तरह WHO ने कोरोना वायरस से बचने के लिए हाथ धोने की सलाह दी थी, उसी तरह अब भी लगातार हाथ धोने के लिए कहा गया है और घरों में वेंटिलेशन का बेहतर बनाने की सलाह दी गई है। दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन को इस बात के रहे कि फिलहाल तो ये बीमारी सिर्फ बच्चों में फैल रही है, लेकिन अगर दूसरी या तीसरी लहर में ये बीमारी वयस्कों में फैलने लगी तो देखते ही देखते ये वैश्विक महामारी बन सकती है। इसलिए WHO ने चीनी सरकार से इस बीमारी से प्रभावित मरीजों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिसे चीन ने अब तक छिपा कर रखा था। हालांकि इस बार चीन के हर एक कदम पर दुनिया भर की नजर है, क्योंकि ये कोरोना वायरस की तरह ही एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। न्यूमोनिया से पीड़ित व्यक्तियों के खांसने और छींकने पर उनके नाक और मुंह में से ड्रॉप्स निकलती हैं और इन ड्रॉप्स के संपर्क में आने वाला दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है और इस पिछले कई साल पुराने इस बीमारी के कई केसेस में पीड़ित की मौत की संभावना भी होती है। फिक्र की बात यह है कि यह बच्चों में फैल रहे निमोनिया के इस मिस्टीरियस टाइप में नॉर्मल निमोनिया से कुछ अलग लक्षण भी दिख रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके कॉमन सिम्टम्स बुखार, खांसी और गले में खराश है, लेकिन कई बच्चों में फेफड़ों में सूजन और जलन होने के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। मासूम बच्चों में फैली ये बीमारी उन्हें काफी तकलीफ तो दे रही है, साथ ही उनकी इम्यूनिटी को भी कमजोर कर रही है। फिलहाल हम यही दुआ करते हैं कि इस बीमारी से पीड़ित बच्चों का स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए, इसका संक्रमण बाकी बच्चों तक फैलने से ताकि रुक जाए। तो दोस्तों, क्या चीन में फैली ये बीमारी ग्लोबल पैंडेमिक का रूप धारण कर सकती है, या इस बार चीन इस बीमारी को अपने देश तक सीमित रखने में कामयाब हो पाएगा? इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए और जानकारी फायदेमंद लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। साथ इस बीमारी से जुड़े अपडेट्स जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।